नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 7.8 बिलियन यानी कि लगभग 780 करोड़ लोग रहते हैं? और क्या आप जानते हैं कि मनुष्य को 100 करोड़ की आबादी तक पहुंचने में लगभग 2 लाख साल लगे, लेकिन 100 करोड़ से 700 करोड़ की आबादी तक पहुंचने में सिर्फ 200 साल लगे? हम सभी जानते हैं कि चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहाँ लगभग 143 करोड़ लोग रहते हैं। इसके बाद भारत लगभग 136 करोड़ की जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे कम आबादी वाले देश कौन कौन से हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया के उन 10 देशों के बारे में जिनकी आबादी पूरे संसार में सबसे कम है। आपको इस वीडियो में नया कुछ जानने को जरूर मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले 10वें नंबर पर है डोमिनिका। इसका ऑफिशियल नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका। यह कैरेबियन का एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जिसकी राजधानी है रोसो। दोस्तों, इस देश में सिर्फ 71,808 लोग रहते हैं। नंबर 9 पर है मार्शल आइलैंड्स। यह देश भी एक आइलैंड कंट्री है जो भूमध्य रेखा के पास प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी राजधानी है माजुरो। दोस्तों, इस छोटे से देश में सिर्फ 58,791 लोग रहते हैं। नंबर 8 पर है सेंट किट्स एंड नेविस। दोस्तों, हो सकता है आप में से कई लोग इस देश का नाम पहली बार सुन रहे हों। कैरेबियन सी में स्थित यह देश भी एक आइलैंड कंट्री है जिसका ऑफिशियल नाम है फेडरेशन ऑफ सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस। यहां आपको दो राजधानियां मिलेंगी। सेंट किट्स आइलैंड की राजधानी है बैस्टेयर और नेविस आइलैंड की राजधानी है चार्ल्स टाउन। दोस्तों, इस देश में कुल 52,823 लोग रहते हैं। नंबर 7 पर है मोनैको। यूरोप में स्थित इस छोटे से देश का ऑफिशियल नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनैको। यहाँ कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है, लेकिन मोंटे कार्लो यहाँ का प्रशासनिक केंद्र है। दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या है मात्र 38,964। नंबर 6 पर है लिक्टेनस्टीन। यूरोप में आल्प्स की श्रृंखलाओं पर स्थित इस देश का ऑफिशियल नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ लिक्टेनस्टीन। वाडूज यहाँ की राजधानी है। जर्मन बोलने वाले इस देश की कुल जनसंख्या है 38,020। नंबर 5 पर है सैन मेरिनो। यह देश भी यूरोप में स्थित है। यह चारों तरफ से इटली से घिरा हुआ है। इसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ सैन मेरिनो। इस देश की राजधानी भी सैन मेरिनो ही है। यहाँ लगभग 33,860 लोग ही रहते हैं। नंबर 4 पर है पलाऊ। दोस्तों, प्रशांत महासागर में स्थित यह एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जिसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। जेरुलमुड यहाँ की राजधानी है। इस छोटे से देश में लगभग 18,000 लोग रहते हैं। नंबर 3 पर है तुवालु। प्रशांत महासागर में स्थित इस छोटे से देश का नाम पहले एलिस आइलैंड था। इसकी राजधानी है फ्यूनाफ्यूटी। इस देश में सिर्फ 11,646 लोग रहते हैं। नंबर 2 पर है नाउरू। दोस्तों, यह देश भी प्रशांत महासागर में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। इसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ नाउरू, जिसे पहले प्लीजेंट आइलैंड के नाम से जाना जाता था। यहाँ की राजधानी येरेन है। इस देश की आबादी मात्र 10,756 है। और नंबर 1 पर है वेटिकन सिटी। दोस्तों, दुनिया में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जिसका ऑफिशियल नाम है वेटिकन सिटी स्टेट। यह छोटा सा देश चारों तरफ से इटली से घिरा हुआ है। यहाँ की राजधानी का नाम भी वेटिकन सिटी ही है। वर्तमान में इस देश की जनसंख्या लगभग 799 है। अन्य देशों की तरह यहाँ नागरिकता जन्म से नहीं मिलती, बल्कि कोई भी व्यक्ति यहाँ तभी तक नागरिक माना जाता है जब तक वह यहाँ काम करता है। नियुक्ति समाप्त होने के बाद नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। पोप यहाँ के सर्वप्रमुख नेता और शासक हैं। पोप का पद वंशानुगत नहीं होता है। वर्तमान में पोप फ्रांसिस इस देश के प्रमुख हैं। वह कैथोलिक चर्च के प्रमुख धार्मिक नेता हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे कम आबादी वाले इन देशों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।